देखती आठ हो सुनते कानो, आप सबको एडवोकेट खालिद जैदी का सलाम। आप देख रहे हैं कास मोटिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉजिस्टिक। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको काफ़ी मुफीद मालूम हासिल होंगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर ये क्लियर करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक क्या होता है या लॉजिस्टिक क्या है। लॉजिस्टिक को बआसानी हम इस तरह समझ सकते हैं कि संडे का दिन है, दोपहर का टाइम, मैं सुकून से बैठा हुआ टीवी देख रहा हूँ। इतने में मेरी वालदा आती हैं, मुझे एक टिफ़िन देती हैं और कहती हैं कि ये फौरी तौर पर जाकर बहन के घर दे आओ। साथ ही वो मुझे हिदायत करती हैं कि जल्दी जाना और एहतियात से लेके जाना, ये गिरे ना, ख़राब ना हो, और जाकर बहन के हाथ में ही देना। बज़ाहिर उनकी इस बात में कोई ख़ास बात नहीं, नॉर्मल रूटीन घरों में ऐसा होता है, मगर अगर देखा जाए तो ये भी एक पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक है, जिसमें मेरी वालदा जो मुझे टिफ़िन दे रही हैं, जो उनकी मसनूआत है, जो उन्होंने तैयार की चीज़, उसके मुताबिक वो मुझे हिदायत कर रही हैं कि मैं ये लेके जाऊँ एहतियात के साथ और जाकर फौरी तौर पर अपनी बहन को दूँ। इसी तरह एक कंपनी का ऑनर या उसकी मैनेजमेंट भी यही हिदायत करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि उनकी जो मसनूआत हैं उनको सही मकदार में, सही हालत में, सही जगह जाया जाए मुनासिब कीमत के साथ। बेसिकली लॉजिस्टिक जो है वो खिदमात और फराहमी का अमल है, और शुरू में ये फौज या आर्मी के जो सामान होता था, सामान रसद होता था, उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मगर ये लफ्ज़ लॉजिस्टिक फर्स्ट टाइम जो है वो एक आर्मी ऑफिसर जो कि राइटर भी थे, मिस्टर एंटोनी हेनरी, उन्होंने अपनी बुक आर्ट ऑफ द वार में इसका तस्करा किया है, और बहसते लॉजिस्टिक ऑफिसर उन्होंने इसको मुकम्मल डिटेल डिफाइन की है। अब हमारे सामने जो सवाल आता है वो ये होता है कि लॉजिस्टिक क्या है, इसका मकसद क्या है, साथ ही साथ लॉजिस्टिक जो है उसके इंग्रेडिएंट क्या है। इसको बआसानी हम इस तरह समझ सकते हैं, लॉजिस्टिक इज ए आर्ट एंड साइंस। लॉजिस्टिक जो है वो एक फन और साइंस है, और इसके 10 इंग्रेडिएंट हैं जो कि लाजमी तौर पर कवरअप किए जाते हैं इस टॉपिक में। जो यकजा होते हैं तो लॉजिस्टिक का मफहूम क्लियर होता है, वाजे होता है, तकमील को पाता है। इसका नंबर वन जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट प्लानिंग, के प्रोडक्ट की प्लानिंग की जाती है कि हमने ये प्रोडक्ट बनानी है, इसके लिए हमने रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से हासिल करना है, किस तरह हासिल करना है, कितना हासिल करना है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ होती है ऑब्टेनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, उस रॉ मटेरियल को हासिल करने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको अडॉप्ट किया जाता है, यानी कि मसनूआत का हुसूल। तीसरी चीज़ होती है प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग, रॉ मटेरियल आ गया, उसकी प्लानिंग के हिसाब से उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसको पैक किया जाता है, तैयार किया जाता है मसनूआत की पैदावार के हिसाब से जो रिक्वायर्ड होती है। फिर वो जो प्रोडक्ट तैयार होती हैं उनको स्टोरेज ऑफ गुड्स, यानी कि उस सामान को, उस प्रोडक्ट को, उस तैयार शुदा माल को कहाँ रखा जाता है, वेयर हाउसेज में रखा जाता है, फैक्ट्री के जो मेन सेंट्रल वेयर हाउसेज होते हैं उनमें तैयार शुदा माल को रखा जाता है। इसी तरह से रॉ मटेरियल भी उन्हीं वेयर हाउसेज में रखा जाता है। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ या इंग्रेडिएंट है वो है एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फॉर सप्लाइज। माल की प्लानिंग, प्रोडक्ट्स की ऑब्टेनिंग, प्रोडक्ट की प्रोड्यूसिंग, स्टोरेज, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, मगर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम या रसद के लिए मौसर नकल व हमल के जो ज़राए हैं वो इंतहाई ज़रूरी होते हैं, क्योंकि फैक्ट्री से गोदाम तक और गोदाम से जो है वो डीलर और डीलर से रिटेलर और फिर एंड कंज्यूमर तक माल को पहुँचाना किसी भी कंपनी का सबसे अहम जो है
वो मकसद होता है। नेक्स्ट होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट मटेरियल, कि जब लाजमत है ट्रांसपोर्टेशन के जरिए फैक्ट्री से माल गोदाम में जाता है, तो आगे का मरहला ये होता है उस प्रोडक्ट को एज पर ऑर्डर, एज पर इनवाइस जो है डिमांड के हिसाब से डीलर्स को या रिटेलर्स को माल को भेजा जाता है, मसनूआत जो है उसकी तकसीम की जाती है। उसके बाद है प्रोडक्ट सप्लाई इन प्रॉपर प्लेस, के जो प्रोडक्ट है वो मुनासिब तरीके से जो है प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाए प्रॉपर तरीके से जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, वेयर हाउस है, वहाँ से उस माल को बेहतर तरीके से जो है वो रिटेलर तक या डीलर तक पहुँचाया जाए। इसके बाद जो है वो है प्रोडक्ट सप्लाई प्रॉपर क्वांटिटी विथ गुड कंडीशन। सिर्फ प्रोडक्ट का डीलर तक या रिटेलर तक पहुँचाना ही मकसूद नहीं होता, बल्कि ये मकसद भी होता है कि जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो प्रॉपर हो, उसकी क्वांटिटी और उसकी कंडीशन भी जो है वो यूजबल हो, वो लीक ना हो, वो डैमेज ना हो, उसमें कोई और किस्म का कोई फॉल्ट ना हो। मसनूआत अच्छी हालत के साथ मुनासिब मकदार में फराहम करना किसी भी कंपनी की अवलीन जिम्मेदारी होती है। राइट टाइम प्रोडक्ट सप्लाई, कोई भी कंपनी हो, इदारा हो, उसका मकसद ये होता है कि वो कोई चीज़ बनाए, बनाकर अपने वेयरहाउसेस के ज़रिए वो डीलर को भिजवाए, वहाँ से रिटेलर को भेजे और उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है एंड यूज़र तक पहुँचे। मगर इसमें सबसे अहम जो अंसर होता है वो होता है राइट टाइम प्रोडक्ट की सप्लाई का। अगर प्रोडक्ट बन जाए तैयार होने के बावजूद अगर उसे प्रॉपरली राइट टाइम पर सप्लाई ना किया जाए जो कि रिक्वायर्ड होता है टाइम, तो ऐसे सूरत में वो प्रोडक्ट रखा रह जाता है और मार्केट में कोई दूसरी कंपनी उसी प्रोडक्ट को सेल कर जाती है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जदीद वियाद की, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है किसी भी स्प्रे का। अगर प्रोडक्ट तैयार होने के बाद फैक्ट्री से वेयरहाउस में आए और वेयरहाउस से डीलर के पास वो बर वक्त ना पहुँचे, तो लाजमत है वो डीलर के पास ना पहुँचने की वजह से जो है एंड यूज़र तक भी नहीं पहुँचेगा, और जब एंड यूज़र तक नहीं पहुँचेगा तो वो उस स्प्रे को नहीं कर पाएगा और जिसके नतीजे में कंपनी की सेल मुतासर होती है। तो किसी भी कंपनी की यह अवलीन यानी कि तरजीह होती है कि वो माल बनाए, बना के अपने डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉइंट है जिसे हम वेयर हाउस कहते हैं नॉर्मली, वेयर हाउस या लॉजिस्टिक ऑफिस में पहुँचाए, वहाँ से उसका ऑर्डर लेकर उसकी इन्वाइस के करने के बाद उसको मजीद ट्रांसपोर्टेशन के जरिए डीलर और रिटेलर तक पहुँचा कर एंड यूज़र तक पहुँचाया जाए ताकि वो उसको यूटिलाइज करें, उसको इस्तेमाल करें। डियर वियर्स, इसमें एक चीज़ ये भी काबिल गौर है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। टाइम से मुराद ये होती है कि सर्दी के कपड़े गर्मी में नहीं बिक सकते और गर्मी वाले सर्दी में नहीं बिक सकते, क्योंकि उनकी डिमांड सर्दी के कपड़ों की सर्दी में और गर्मी के कपड़ों की गर्मी में होती है। इसी तरह से बहुत सारे ज़रिए अजनास होती हैं जिनकी फौरी डिमांड होती है, अगर उनको डिले करके मार्केट में भेजा जाएगा अपने या ज़ाया होने का खदशा या अंदेशा होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मिनिमम प्राइस, कॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्री यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड यूज़र पॉइंट, कि कोई भी कंपनी ये चाहती है कि जो माल उसने बनाया है वो कॉस्ट कटिंग पे चल करते हुए वो कॉस्ट कटिंग के तहत जो है मिनिमम प्राइस पे मार्केट में फौरी तौर पर पहुँचाया जाए और उसको बेच कर उसे मुनाफा कमाया जाए। यही तमाम चीज़ें जो होती हैं वो लॉजिस्टिक का जुज़ कहलाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको क्लियर होगा कि लॉजिस्टिक क्या है और उसके बेसिक 10 क्या इंग्रेडिएंट या अज़ा होते हैं। हम आसान उर्दू में इसे समराइज कर सकते हैं कि लॉजिस्टिक एक फन और साइंस है। इसके 10 अज़ाए ख़ास होते हैं या पॉइंट होते हैं। नंबर 1 मसनूआत की मनसूबाबंदी, नंबर 2 मसनूआत का हसूल, नंबर 3 मसनूआत की पैदावार, नंबर 4 सामान का ज़खीरा करना, नंबर 5 रसद के लिए मौसर नकल व हमल के ज़राए का इस्तेमाल, नेक्स्ट मसनूआत और मवाद की बर वक्त तकसीम, मुनासिब जगह पर मसनूआत की फराहमी प्रॉपरली बंदे तक डीलर तक गाहक तक मसनूआत का पहुँचाना, मसनूआत अच्छी हालत के साथ साथ मुनासिब हालत में कस्टमर तक पहुँचाना,
सही वक्त पर पहुंचाना, बर वक्त पहुंचाना, फैक्ट्री से और एंड यूज़र तक पहुंचाने में जो कॉस्ट आती है उसको मिनिमाइज़ करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लॉजिस्टिक कहलाती हैं। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट डेफिनेशन के लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की क्या तारीफ होती है, इसको हम चार हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर वन, डेफिनेशन ऑफ लॉजिस्टिक। नंबर टू, हिस्ट्री ऑफ लॉजिस्टिक। नंबर थ्री, इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक। एंड लास्टली लास्ट, टाइप्स एंड प्रोसीजर ऑफ लॉजिस्टिक। हेलो व्यूअर्स, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन को बआसानी इन अल्फाज में समझा जा सकता है कि मूवमेंट ऑफ एनी मटेरियल और गुड्स और प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू कंजम्पशन पॉइंट या फैक्ट्री टू एंड यूज़र तक जो चीज़ पहुंचती है उसको पहुंचाने के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है उसको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कहा जाता है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में मुख्तलिफ अनासिर का किरदार होता है जिसमें रॉ मटेरियल, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, ट्रांसपोर्टर, वेयरहाउसिंग का अमला, डीलर, रिटेलर, इवन के एंड यूज़र तक सब के सब शामिल होते हैं। क्योंकि रॉ मटेरियल होगा तो वो सप्लाई होगा, सप्लाई होकर वो फैक्ट्री पहुंचेगा तो मैन्युफैक्चरर जो है उसको प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्ट की शक्ल देगा, और प्रोडक्ट बनने के बाद, फिनिश गुड होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे पहुंचेगा, वहाँ से डीलर और डीलर से रिटेलर और आखिर में एंड यूज़र तक पहुंचेगा जो कि उसे यूटिलाइज करेगा। ये तमाम के तमाम अनासर एक दूसरे के साथ यकजा होते हैं, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फूड आइटम्स हों, चाहे वो लिक्विड्स हों, गारमेंट्स हों, गैसेस हों, एक्सेट्रा, जो भी हों, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन के तहत ही कवरअप होती हैं। हिस्ट्री ऑफ लॉजिस्टिक। ज़माना कदीम से इंसान जदोजहद कर रहा है, खूब से खूब तक की तलाश में लगा हुआ है। इब्तदाई दौर में उसने एक जगह से दूसरी जगह सामान मुंतकिल करने के लिए हाथ रेड़ी का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद जानवर को बाल बर्दारी के तौर पर काम में लाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहिए का ज़माना आया तो मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ वजूद में आईं, ट्रांसपोर्टेशन की मुख्तलिफ चीज़ें सामने आईं एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को मुंतकिल करने के लिए। और दौर हाजिर में चाहे वो रेल का निज़ाम हो, चाहे वो लॉजिस्टिक का दूसरा निज़ाम हो, बाई एयर हो, बाई ट्रेन हो, बाई रोड हो, ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के तहत डील की जाती हैं। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बेसिकली, ये लफ्ज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो डिक्शनरी है उसमें 1984 में यूटिलाइज किया गया, और ये फ्रेंच लफ्ज़ है जिसे लॉजिस्टिको कहा जाता है और इंग्लिश में लॉजिस्टिक कहा जाता है। और इस डेफिनेशन के तहत इसमें वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, इवन के इंफॉर्मेशन फ्लो तक भी हर चीज़ इसमें शामिल होती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक को हम आगे चल के डिफाइन करते हैं। पहले हम देखते हैं कि प्रोसीजर या टाइप ऑफ लॉजिस्टिक क्या होता है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल लॉजिस्टिक और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल लॉजिस्टिक से मुराद विद इन द प्लांट और फैक्ट्री एरिया, जो स्टोर, प्रोडक्शन, पैकेजिंग और सेंट्रल स्टोर का तरीक़ेकार होता है, एक दूसरे से लिंकअप होता है, इसे हम इंटरनल लॉजिस्टिक कहते हैं। कि माल रॉ मटेरियल आया, स्टोर में रखा गया, वहाँ से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया, वहाँ से वो तैयार हुआ फिनिश गुड की सूरत में, और दोबारा वो सेंटर वेयर हाउस में मुंतकिल कर दिया गया। तो ये सारा का सारा जो अमल होता है विद इन फैक्ट्री, ये इंटरनल लॉजिस्टिक कहलाता है। जबकि एक्सटर्नल लॉजिस्टिक जो होता है, मूवमेंट होती है प्रोडक्ट की आउटसाइड ऑफ द फैक्ट्री, उसको आप प्रोक्योरमेंट कहते हैं। क्या
जो रॉ मटेरियल परचेज किया गया, हासिल किया गया। फिर उसके बाद सेकंड मरहला होता है कि उसकी प्रोडक्शन होती है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और लास्टली लास्ट आफ्टर सेल सर्विस अगर ज़रूरी हो तो वो भी दी जाती है। अब हम चलते हैं कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट डेफिनेशन को किस तरह से हम इन डिटेल पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। नंबर वन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की तारीफ। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इन सप्लाई चैन मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इट्स इंक्लूड ऑल स्टेप बिटवीन सप्लायर एंड कस्टमर, वेदर द कस्टमर इज ए होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और द अल्टीमेट कंज्यूमर या एंड यूजर। के इसको हम आसान उर्दू में इस तरह कह सकते हैं कि सप्लाई चैन मैनेजमेंट में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का हिस्सा है। इसमें सप्लायर और कस्टमर के दरमियान तमाम ताल्लुकात और इकदाम जो होते हैं वो शामिल हैं, चाहे ग्राहक थोक फरोश हो, मैन्युफैक्चरर हो या एंड यूजर या हतमी सारिफ हो। इसी तरह से इट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री मेजर ब्रांचेस, इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक एंड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को हम तीन शाखों में तकसीम कर सकते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज। इसको मजीद इन डिटेल हम इस तरह बयान करेंगे कि ए वेल प्लानिंग एंड इफिशेंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सप्लायर्स, रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्ट, लेबर फोर्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये तमाम की तमाम चीज़ें विच इवेंचुअली हेल्प्स टू कंपनी ऑनर टू सेव मनी, टाइम, कॉस्ट एंड इंक्रीज हिज प्रॉफिट ऑफ मार्जिन। के वसाइल, सप्लायर्स, खाम माल, मसनूआत, लेबर फोर्स, नकलो हमल के ज़राए, इन तमाम को एक अच्छी मंसूबाबंदी के तहत अगर यूटिलाइज किया जाए तो उसके नतीजे में जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है कंपनी का वो इंक्रीज होता है, और उसके नतीजे में कंपनी के जो मैनेजमेंट है या जो ऑनर्स हैं उनका पैसा, वक्त, लागत बचता है, जिसके नतीजे में मुनाफा जो है वो इंक्रीज होता है। और जब किसी कंपनी के मुनाफे में इजाफा होता है तो वो कंपनी ग्रोथ करती है, और उस ग्रोथ के नतीजे में जहां मालकान को फ़ायदा होता है वहीं पर उसका वहां पे काम करने वाले तमाम अफराद को उसका इनडायरेक्ट फ़ायदा होता है, बोनसेस की सूरत में, इंक्रीज ऑफ सैलरी की सूरत में, प्रमोशंस की सूरत में। तो हम ये कह सकते हैं कि इन तमाम को अगर देखा जाए तो ये प्लानिंग का ही एक शाखसामा होता है। की तारीफ को मुख्तसर आसान उर्दू में हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि सप्लाई चैन मैनेजमेंट में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक हिस्सा है। इसमें सप्लायर और कस्टमर के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, चाहे वो किसी भी नौयत के हों, उन सबको यकजा किया जाता है। इस सप्लाई चैन मैनेजमेंट की तीन अहम शाखें हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक होती है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक होती है और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक होती है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स मुराद विद इन द कंपनी या फैक्ट्री जो इनबाउंड ट्रांजेक्शन होती हैं वो। इस तरह से एक्सटर्नल जो लॉजिस्टिक होती है जिसे हम आउटबाउंड ट्रांजेक्शन कहते हैं, कि फैक्ट्री से बाहर के खाम माल का परचेज करना, फिर प्रोडक्शन के अमल को प्रोसीड करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में शुमार होती हैं। नस्बत है जब एक प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है, मैनेज तरीके से काम किया जाता है, अच्छी मनसूबाबंदी के तहत काम किया जाता है, वसाइल को, माल को, मसनूआत को, लेबर फोर्स को, नकलो हमल को, हर चीज़ को बेहतर मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके नतीजे में जो खर्च है वो कम होता है, पैसा बचता है, लागत में कमी आती है, और इसके नतीजे में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ होता है, और
मालकान की जो प्रॉफिटेबिलिटी जब बढ़ती है उसके नतीजे में आम आदमी या जो उस कंपनी से वाबस्ता लोग होते हैं उनको भी उसका इनडायरेक्ट फ़ायदा हासिल होता है। आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आपसे कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है, या इसे हम उर्दू में कहें तो कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो है उसके काम करने का तरीक़ाकार क्या होता है। तो इसको शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो है उसके मेन ड्राइवर्स क्या होते हैं। नंबर वन वेयरहाउसिंग, नंबर टू इन्वेंट्री, नंबर थ्री ट्रांसपोर्टेशन एंड नंबर फोर इंफॉर्मेशन फ्लो मेन ड्राइवर हैं जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वर्किंग प्रोसीजर को कंट्रोल करते हैं। हम इनको वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का तरीक़ाकार होता क्या है और उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज अ सप्लाई चैन मैनेजमेंट कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू मीट कस्टमर डिमांड थ्रू द प्लानिंग कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इफेक्टिव मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हेल्प कंपनीज रिड्यूस एक्सपेंसेस एंड इन्हांस कस्टमर सर्विसेज एक्सेट्रा। इसको आसान उर्दू में हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक सप्लाई चैन मैनेजमेंट का जुज्व है जो मुतालिका मालूमात सामान प्रोडक्ट और खिदमात की स्टार्ट यानी कि असल से एंड मंजिल तक मौसर नकलो हरकत और स्टोरेज की मनसूबाबंदी कंट्रोल और निफास के ज़रिए ग्राहकों की लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनियों को अखराजात को कम करने और कस्टमर सर्विस को बढ़ाने में मदद करता है और यही लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वर्किंग प्रोसीजर की सबसे अहम खसूसियत है। नेक्स्ट, बाय एडहेरिंग टू कस्टमर नीड्स एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स लॉजिस्टिक मैनेजमेंट फैसिलिटेट प्रोसेस स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसको इस तरह बयान किया जा सकता है कि कस्टमर की ज़रूरियात और सनद की मयारात पर अमल करते हुए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अमल की हिकमत अमली मनसूबाबंदी इफाज की सहूलत फराहम करता है और ये इसकी दूसरी खासियत है। इसके साथ इसको हम इस तरह भी डिस्कस कर सकते हैं के लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक्टिविटी टिपिकली इंक्लूड इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट फ्लीट मैनेजमेंट वेयरहाउसिंग मटेरियल हैंडलिंग ऑर्डर फुलफिलमेंट लॉजिस्टिक नेटवर्क डिज़ाइन इन्वेंट्री कंट्रोल सप्लाई डिमांड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर्स एंड अदर्स फोर और फिफ्थ लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सरगर्मियों में आमतौर पर इनबाउंड आउटबाउंड और ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट फ्लेट मैनेजमेंट गोदाम साजी प्रोडक्ट हैंडलिंग या मवाद का हैंडलिंग आर्डर की तकमील लॉजिस्टिक नेटवर्क का डिज़ाइन इन्वेंट्री कंट्रोलिंग स्टॉक टेकिंग एक्सेट्रा प्रोडक्ट की रसद और तलब डिमांड और सप्लाई की कंट्रोलिंग मनसूबाबंदी और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक खदमात फराहम करने वालों का इंतज़ाम जो है ये तमाम का तमाम जो है
ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वर्किंग प्रोसीजर का हिस्सा होता है। इसको हम बआसानी मुख्तसर ये कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जुज्व है, हिस्सा है। इसमें मालूमात, सामान, खिदमात, तमाम चीज़ों को यकजा किया जाता है और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तमाम की तमाम चीज़ों को यकजा करने के बाद इसको प्रॉपरली इसका जो इंतज़ाम होता है, प्रोसीजर होता है, उसको अडॉप्ट किया जाता है। मौसम, नकलो हरकत के जो ज़राए हैं यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, उनको इख्तियार किया जाता है। स्टोरेज जो है उसकी प्रॉपर में जो मनसूबाबंदी है वो की जाती है और जो दीगर कंट्रोल्स हैं उनको प्रॉपरली इम्पोज किया जाता है ग्राहकों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का बुनियादी काम जो होता है वो ये होता है प्रोसीजर के तहत कि कंपनियों के अखराजात को कम करना कॉस्ट कट ड्राइव के तहत और कस्टमर सर्विसेज को बढ़ाना अपनी सर्विसेज बेहतर सर्विसेज के लिए। कस्टमर की ज़रूरियात और सड़क की जो ज़रूरियात हैं उनको मलहूज रखते हुए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो है वो हिकमत अमली तैयार करती है, मनसूबाबंदी बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट कराती है। तीन चीज़ें के पहले वो हिकमत अमली करती है, मनसूबाबंदी करती है और फिर उस पर इम्प्लीमेंट कराती है विद इन द एरिया ऑफ द कंपनी, विद इन द एरिया ऑफ फैक्ट्री, अदर यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं वगैरह वगैरह। जो सरगर्मियाँ आमतौर पर होती हैं वो इनबाउंड और आउटबाउंड सर्विसेज होती हैं। इसी तरह से जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो है उस प्रोसीजर के तहत ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, लीड मैनेजमेंट, गोदाम साजी, गोदाम को अपडेट रखना, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर हैंडलिंग, ऑर्डर की बरवक्त तकमील, तरसील, लॉजिस्टिक नेटवर्क को प्रॉपरली डिज़ाइन करना, इन्वेंट्री को प्रॉपरली कंट्रोल करना, उसको स्टॉक टेकिंग करना, वक्तन फवक्तन उसको रिचेक करना, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनको देखना, जो तलब है उसके हिसाब से डिमांड करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये प्रोसीजर वर्किंग के ज़ुमरे में आती हैं। इसी तरह से थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की खिदमात जो लोग करते हैं उनका इंतज़ाम करना, उनको यकजा करना और उनसे बेहतर सर्विसेज अवेल करना जो है ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वर्किंग प्रोसीजर का हिस्सा कहलाती है। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि व्हाट इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, उसका क्या तरीक़ाकार होता है, फॉरवर्ड लॉजिस्टिक क्या होती है, रिवर्स लॉजिस्टिक क्या होती है, किस तरह से ये अमल पजीर होती है और इसके क्या स्टेप्स होते हैं, इसी तरह से प्लान्स क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं और उसके कंट्रोल्स क्या होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इसको हम बआसानी इस तरह समझ सकते हैं कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज ए आर्ट एंड साइंस ऑब्टेनिंग, प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स इन प्रॉपर प्लेस, इन प्रॉपर क्वांटिटी, विद गुड कंडीशन। ये तमाम के तमाम शराइत हैं एक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की कंप्लीट प्रोसीजर के लिए। कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट और साइंस है, एक फन है, तरीक़ेकार है कि जिसमें सबसे पहले ऑब्टेन किया जाता है रॉ मटेरियल को, उसके बाद प्रोड्यूस किया जाता है प्रोडक्ट को, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रोडक्ट को, मटेरियल्स को। और एक अच्छा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करने वाला शख्स ऑब्टेन करता है, प्रोड्यूस करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स को इन प्रॉपर प्लेस एंड इन प्रॉपर क्वांटिटी विद गुड कंडीशन टू एंड यूज़र। इसी तरह से जब बात आती है कि ये तरीक़ाकार होता क्या है, तो देखिएगा कि इसमें प्लान्स, इम्प्लीमेंट्स एंड कंट्रोल्स, ये तीन चीज़ें हमारे सामने आती हैं और इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द पार्ट्स ऑफ प्लान्स, इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल। के लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो है वो तीन चीज़ों पर मुनहसर है। नंबर वन, प्लान, मंसूबे, मनसूबाबंदी। नंबर टू, इम्प्लीमेंट्स, उन मंसूबों पर अमल दरामद, निफाज।
नंबर थ्री, उन पर चेक एंड बैलेंस रखना, उनको कंट्रोल्स करना, उनकी फॉलोअप करना, ये तीनों चीज़ें जो हैं जब यकजा होती हैं तो एक बेहतर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हमारे से वजूद में आती है। और किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसके जो मंसूबा साज हैं वो प्रोफेशनल हों, उनका ताल्लुक प्रॉपर उस डिपार्टमेंट से हो, उनके पास उसका वेल एक्सपीरियंस हो कि वो कंपनी की प्रोडक्ट्स के हवाले से प्रॉपर मनसूबाबंदी करें और उन मनसूबाबंदी पर प्रॉपर उस पर इम्प्लीमेंट्स कराएं और चेक एंड बैलेंस रखें और देखें कि आया वो उस मायार पर पूरा उतर रहा है जो नहीं, जो कि एक तरीके का वजह किया गया। अब सवाल ये आता है कि कंपनी करती क्या है। कंपनी सबसे पहले रॉ मटेरियल को परचेज करती है। रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद उसको फैक्ट्री एरिया में लाया जाता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर वो रिटेलर के पास जाता है, कस्टमर के पास जाता है, लेकिन वो चार्ट जो है उसको एक फॉलो किया जाता है और इस चार्ट को हम फॉरवर्ड लॉजिस्टिक का नाम देते हैं। इसे बआसानी इस चार्ट के जरिए समझा जा सकता है कि सबसे पहले जो कंपनी ऑनर है उसने खाम माल परचेज किया, मंगवाया अपनी फैक्ट्री में और फैक्ट्री के वेयरहाउस में लाकर उस खाम माल को रखा गया, प्रोडक्ट को रखा गया, वहाँ से वो जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया गया और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना काम कंप्लीट करके उसको जो है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भेजा। वहाँ से वो जब ओके हुआ तो उसके बाद दोबारा वो सारा का सारा माल जो है वो फैक्ट्री की सेंटर वेयरहाउस में पहुँचा दिया जाता है। अब बात वही आती है कि सबसे पहले मंसूबा बनाया जाता है कि जनाब हमने कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है, उससे क्या बनाना है और उसे किस तरह से फरोख्त करना है। और जब ये पैदावारी फैक्ट्री का मरहला मुकम्मल हो जाता है, सेंटर वेयरहाउस से वो माल ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो सेंटर वेयरहाउस है वहाँ से वो माल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे पहुँचा दिया जाता है या कंपनी के जो रीजनल ऑफिसेज या वेयरहाउसेज होते हैं वहाँ पर वो माल पहुँचा दिया जाता है और वहाँ पर उसकी प्रॉपर स्टॉक टेकिंग वगैरह की जाती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। फिर यहाँ पर जो मुतालिका अमला होता है, चाहे वो अकाउंट रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्स से मुतालिका हो, चाहे वो वेयरहाउसिंग या लॉजिस्टिक से मुतालिक हो, वो सब के सब इस पर अपनी वर्किंग शुरू करते हैं। सेल वाले ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, अकाउंट्स वालों को देते हैं, अकाउंट्स वाले उस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको कंप्लीट करते हैं, इन्वॉइसिंग वगैरह बनाते हैं और आगे वो लॉजिस्टिक से रिलेटेड जो बंदे होते हैं उनको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। लॉजिस्टिक वाले उसकी दो तरह से वर्किंग करते हैं, पहले डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं, साथ ही साथ वो ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करने के बाद उस प्रोडक्ट को जो उन्होंने इन्वॉइसिंग की भी होती है उसको मुतालिका दुकान पर या डीलर के पास पहुंचाते हैं। शर्त वही होती है कि जनाब वो प्रॉपर प्लेस पे पहुंचे, प्रॉपर क्वांटिटी हो उसकी और गुड कंडीशन हो, ताकि जब उस दुकान से या उस डीलर से सारिफ या कस्टमर या एंड यूज़र जिसे हम कहते हैं जब वो उसे परचेज करे तो उसे किसी किस्म की दिक्कत ना आए उस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, ना वो चीज़ लीक हो, ना वो चीज़ ख़राब हो, ना वो डैमेज हो, ना एक्सपायर हो। कस्टमर जो है उसको लेने के बाद दुकान से उसको इस्तेमाल करता है और अपनी लाइफ इंजॉय करता है। इसी तरह से जो प्रोसीजर है वो ये है कि अगर हम देखें कि रिवर्स लॉजिस्टिक क्या होती है, उसमें रिवर्स लॉजिस्टिक में कस्टमर एक चीज़ लेके जाता है, देखता है कि वो मयारी नहीं है, एक्सपायर है, लीक है या कोई उसमें प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ लेकर वो वापस उस दुकानदार या डीलर के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि ये मयारी नहीं, मुझे इसको वापस किया जाए। वो डीलर मुतालिका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट या रीजनल ऑफिस या जो जोनल ऑफिस होता है वहाँ रब्ता करता है और वो प्रोडक्ट वहाँ पहुँचाता है, वहाँ से वो प्रोडक्ट फैक्ट्री में वापस जाती है और वो जो रिसाइकलिंग का प्रोसीजर उससे कंप्लीट होने के बाद या तो वो तल्फ कर दी जाती है, ज़ाया कर दी जाती है या उसके बदले में उसको दोबारा से वो प्रोडक्ट दी जाती है। ये एक पूरा प्रोसीजर होता है जो कि सारा का सारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट
के ज़ुमरे में आता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फॉरवर्ड जो लॉजिस्टिक होती है उसमें पहले क्वालिटी चेक होती है, पैकेजिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, शिपिंग होती है, फ्रेट्स वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कोई भी फैक्ट्री का मालिक, ऑनर, कंपनी जो है वो रॉ मटेरियल परचेज करती है, फिर उसको मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करती है, और डीलर के पास जाने के बाद वो चीज़ एंड यूज़र यानी कि कस्टमर के पास पहुंचती है और कस्टमर उसे यूटिलाइज करता है और लाइफ को एंजॉय करता है। ये पूरा का पूरा एक सर्कल होता है, साइकिल होता है जो कंप्लीट होता है। और कोई भी कंपनी जो ये तमाम प्रोसेस करती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो उससे प्रॉफिट कमाए। किसी भी कंपनी के ऑनर की पूरी कोशिश और ख्वाहिश होती है कि वो मुनासिब दामों में रॉ मटेरियल को परचेस करे, उसको प्रोडक्शन के प्रोसेस में जब गुजारे तो उसमें कम लागत में वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करे, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के माकूल इंतजाम करे, वहाँ पर वो कॉस्ट कट अपनी जो कर सकता है करे, और अपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के ज़रिए जल्द अज जल्द बेहतर और बर वक्त सप्लाइज करे और वो प्रोडक्ट अपनी कस्टमर तक पहुँचाए ताकि कस्टमर उसे बहुत फौरी तौर पर इस्तेमाल में ला सके। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे 7 R's कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक। 7 R का कॉन्सेप्ट लॉजिस्टिक की दुनिया में बहुत मशहूर है, बहुत अहम है। ख़ास तौर पर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी शख्स होता है उसको पता होता है कि 7 R's क्या है, इनकी अहमियत क्या है और ये क्यों कर ज़रूरी है। हर इदारा जो कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, प्रोड्यूस करता है, तो उसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि वो प्रॉफिट को जनरेट करे। और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए और बेहतर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हासिल करने के लिए उसको कुछ चीज़ों को हर हाल में जो है वो इम्प्लीमेंट कराना होता है। हर इदारा या इदारे का मालिक ये चाहता है कि उसका काम बर वक्त हो, बेहतर हो, सही हो और कम से कम अखराजात उस पर आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट उसने हासिल कर सके। और प्रॉफिट कमाना ही बुनियादी तौर पे किसी भी इंडस्ट्रिस्ट या फैक्ट्री के मालिक का एक ऑब्जेक्टिव होता है और वो इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर एक काबिल अफराद की टीम रखता है जो कि लॉजिस्टिक या सप्लाई चैन मैनेजमेंट से मुतालिका होती है। वो उनको प्रॉपर उस पर प्लानिंग करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट्स कराते हैं, उस पर कंट्रोल्स लगाते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि कम से कम अखराजात में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बनाया जाए, उनको मार्केटिंग किया जाए, उनको मार्केट में फरोख्त किया जाए और उस पर बेहतर से बेहतर मुनाफा कमाया जाए। साथ ही साथ उनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि उनकी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड हो, लोग उसको पजीराई दें, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और उसकी डिमांड करें। और डिमांड करने के लिए, उसकी पजीराई के लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उनमें जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एक चीज़ होती है, उसी को हम लॉजिस्टिक के ज़माने में 7 R's कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये 7 R कॉन्सेप्ट होते क्या है। सबसे पहले तो ये कि राइट प्रोडक्ट, सही मसनूआत बनाई जाए, रॉ मटेरियल लिया जाए, उससे जो चीज़ तैयार की जाए वो मयारी हो, उसके अंदर किस्म किस्म का कोई नुक्स ना हो, कोई दो नंबरी ना हो, उसके अंदर कोई ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट जो है उसका स्टैंडर्ड कम हो, वो मयारी प्रोडक्ट हो, बेहतर हो। और बेहतर प्रोडक्ट होगी तो लाजिम बात है उसका रिज़ल्ट भी बेहतर ही आएगा, सेल इम्प्रूव होगी, सेल ग्रो होगी और कंपनी को भी बेहतर से बेहतर प्रॉफिट हासिल होगा। तो पहली चीज़ होती है 7 R's की कि राइट प्रोडक्ट्स, सही प्रोडक्ट हो, मसनूआत जो हैं वो क्या हो, सही हो। अब लाजिम तो सही मसनूआत होंगी तो उसकी मार्केटिंग होगी, जब वो चीज़ मार्केट में भेजी जाए तो सही हो, क्वालिटी के कंट्रोल के जितने भी मराहिल हैं उनसे गुजरी हुई हो और वो वैलिड हो। उसकी दूसरी चीज़ जो होती है कि ऑनर चाहता है कि उसकी वो सही मसनूआत जो है राइट क्वांटिटी में, जो
मयार है, जो मयार है उसके मुताबिक हो, उसकी क्वांटिटी जो है वो उतनी हो जो कि एज पर स्टैंडर्ड होनी चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है राइट कंडीशन, कि सही हालत में हो, लाजमत है सही चीज़ होगी, सही मकदार में होगी तो उसकी हालत का सही होना भी लाजमी है, वाली चीज़ वो सही जगह पर पहुँचे, यानी कि जो मेन डीलर है उस तक वो पहुँचे और या कस्टमर तक पहुँचे। लेकिन उसके लिए सबसे अहम चीज़ क्या है कि राइट प्लेस पे पहुँचने के साथ साथ राइट टाइम पे भी पहुँचे, सही वक्त पर, और राइट कस्टमर यानी कि डीलर तक पहुँचे और उसकी प्राइस भी मुनासिब हो। जब हम इन सात कॉन्सेप्ट को बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं या डीपली स्टडी करते हैं इनकी, तो हम देखते हैं कि एक कंपनी ऑनर जो है उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी टीम या उसकी मैनेजमेंट टीम जो है वो प्रोडक्ट के हवाले से इन सातों कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट कराए। उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी मसनूआत जो कि मयारी हैं, वो जिसकी मकदार भी बेहतर है, वो सही हालत में सही जगह पर बर वक्त ग्राहक तक पहुँचे मुनासिब कीमत के साथ, ताकि मार्केट में वो प्रोडक्ट बर वक्त पहुँचने की वजह से सेल हो और उसका मयार और उसकी मकदार की वजह से उसका जो एक रुझान है लोगों का वो उस प्रोडक्ट की जानिब हो और लोग उस प्रोडक्ट की डिमांड करें। क्योंकि बुनियादी तौर पर कंपनी का जो ऑनर होता है या मालिक होता है या मैनेजमेंट जो भी होती है, उनके जहन में ये चीज़ होती है कि हमने ये चीज़ बनानी है और इतनी मकदार में बनानी है और इसकी जो मयार है वो ये होना चाहिए और उसकी ये मार्केट है और इस मार्केट को हमने कवर करने के लिए और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट को हासिल करने के लिए हमें इन 7R कॉन्सेप्ट को हर हाल में इम्प्लीमेंट कराना होगा और वो कराते हैं। तो इसको हम अब मुख्तसर ये कह सकते हैं कि 7R कॉन्सेप्ट जो है वो 7Rs हैं, यानी कि राइट प्रोडक्ट, राइट क्वालिटी, राइट कंडीशन, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट कस्टमर एंड राइट प्राइस। दैट्स आर 7 कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक। आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे कि लॉजिस्टिक फंक्शन क्या होते हैं या लॉजिस्टिक के क्या अफाल होते हैं। बेसिकली लॉजिस्टिक का काम माल या प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना होता है। इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वी यूज इंटीग्रेटेड अप्रोच, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को यकजा करके हम लॉजिस्टिक फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। इसमें वेयरहाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, रिवर्सल लॉजिस्टिक वगैरह शामिल होते हैं। सबसे पहले वेयरहाउस या वेयरहाउसिंग से मुतालिक डिस्कस करते हैं कि इसका लॉजिस्टिक फंक्शन में क्या किरदार होता है। एक्टिविटीज़ रिलेटेड मटेरियल प्रोडक्ट्स टू एंड फ्रॉम प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल रिसीविंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग और शिपिंग। के वेयरहाउसिंग जो डिपार्टमेंट है उसका किरदार ये होता है कि वो चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश गुड, उसको रिसीव करता है, उसको स्टोर करता है और एज पर ऑर्डर उसको आगे ट्रांसपोर्ट करता है या शिप करता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट जो है उसका किरदार ये होता है कि सेल्स पर्संस मार्केट में जाते हैं दुकान पे या डीलर्स के पास, उनसे ऑर्डर रिसीव करते हैं प्रोडक्ट का, वो आगे ऑर्डर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट को कन्वे करते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट जो है वो अपने रिकॉर्ड के हिसाब से देखते हुए उस पे प्रोसीडिंग का आगाज करता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है, इनवाइस बनाता है और वेयरहाउस डिपार्टमेंट को दे देता है। वेयरहाउस डिपार्टमेंट वेयरहाउस डिपार्टमेंट अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए वो माल मुतालिका डीलर या जो दुकानदार होता है उसको पहुँचा देते हैं, जहाँ से वो माल आगे एंड यूज़र तक पहुँचता है। इसी तरह से एक और डिपार्टमेंट होता है जिसका बहुत अहम किरदार होता है, इसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। बुनियादी तौर पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो होता है रेफर टू प्रोसेस
of ordering, storing, using and selling a company inventory. इस डिपार्टमेंट में मुकम्मल तौर पर हर चीज़ की डिटेल होती है कि कितना माल आया, कितना बिका, कितना बचा हुआ है, मज़ीद मार्केट की जो सूरत हाल है उसके तहत हमें कितना माल मंगाना है या नहीं मंगाना। इस तमाम चीज़ को जो है इस इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को बेसिकली तौर पर सप्लाई चैन मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट होता है वो लुक आफ्टर कर रहा होता है। वो सप्लाई चैन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इस इन्वेंट्री को देखते हुए आइंदा का लाया अमल तरतीब देता है कि उसको क्या माल कितना मंगाना है या नहीं मंगाना, या क्या प्रोसेस करना है या नहीं करना। मगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का एक अहम रोल होता है लॉजिस्टिक फंक्शंस को कंप्लीट करने में। इसके बाद एक अहम डिपार्टमेंट होता है जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। बेसिकली मूवमेंट ऑफ गुड्स मुख्तलिफ अंदाज में की जाती है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ तरीक़ों से मुंतकिल किया जाता है, जिसमें रोड के ज़रिए है, रेल के ज़रिए है, एयर के ज़रिए है या वाटर के ज़रिए। मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके मुख्तलिफ मीन्स हैं। रोड के ज़रिए मतलब जो ट्रक वगैरह है या बड़े कंटेनर्स के ज़रिए माल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है, गाड़ी यानी कि माल गाड़ी के ज़रिए एक चीज़ को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। इसी तरह से बाई एयर शिपमेंट होती है, बाई शिप शिपमेंट होती है, और अब जदीद दौर में पाइपलाइन के ज़रिए भी ट्रांसपोर्टेशन के काम को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक वसी फील्ड होती चली जा रही है, मगर अमूमी तौर पर कंपनीज़ में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है फैक्ट्री टू गोदाम और गोदाम से डीलर की शॉप तक माल को पहुँचाने के लिए। इसी तरह से मुख्तलिफ कंपनीज थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्टी लॉजिस्टिक जो है उसकी सर्विसेज को भी अवेल करती हैं, और बाज़ औक़ात ऑनर जो है वो ज़ाती गाड़ियों पर गुजारा करते हैं, कभी कभार किराए की गाड़ियाँ भी अवेल करते हैं, और कार्गो सर्विस या मार्केटिंग सर्विसेज जो होती है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से उनको अवेल करते हैं अपनी सर्विसेज को और अपनी डिमांड को कवर अप करने के लिए। इसी तरह से एक अहम डिपार्टमेंट जो है वो है रिवर्सल लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। इसका जो किरदार होता है मैनेजर का वो ये होता है कि जब सेल रिटर्न मार्केट से वापस आती है तो वो उसको चेक करता है, अगर प्रोडक्ट रिसाइकिलिंग के काबिल होती है तो उसको रिसाइकिलिंग प्रोसेस से गुजारता है, और अगर डिस्पोज के काबिल होती है तो उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है, और इस पूरे प्रोसेस की जो कार्रवाई होती है वो इंतजामिया को अपनी मैनेजमेंट को बताता है, और फर्दर जो वो इंस्ट्रक्शन दे पास ऑन करते हैं उसके हिसाब से वो वर्किंग करता है। आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि रिवर्सल लॉजिस्टिक क्या होता है, या जिसे हरफ़ आम में सेल रिटर्न कहा जाता है वो क्या प्रोसेस होता है। जैसे कि इस फील्ड से रिलेटेड जो कि लॉजिस्टिक से वाबस्ता अफराद हैं उन सबको पता है कि एक कंपनी में माल बनता है, माल बनने के बाद वो वहाँ पर सेंटर वेयर हाउस में रख दिया जाता है, सेंटर वेयर हाउस से वो माल जो है मुख्तलिफ जोन्स में जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होते हैं या जोनल ऑफिसेज होते हैं या जोनल वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ पहुँचा दिया जाता है, और वहाँ से फर्दर ऑर्डर के मुताबिक जो डीलर या जो कस्टमर होते हैं वहाँ तक वो माल पहुँचाया जाता है। और नॉर्मल इसका तरीक़ाकार ये होता है कि किसी भी इदारे में सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है, उससे प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनने के बाद वेयर हाउस में रखा जाता है, वहाँ से रीजनल जो वेयर हाउसेज होते हैं उनमें पहुँचाया जाता है, और वहाँ से फर्दर आगे ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए जो माल है वो डीलर या कस्टमर तक पहुँचाया जाता है। इस पूरे अमल को हम कहते हैं फॉरवर्ड लॉजिस्टिक, यानी कि माल फैक्ट्री से और एंड यूज़र तक जो पहुँचता है इसको फॉरवर्ड लॉजिस्टिक कहा जाता है। अब इस प्रोसेस के दौरान जब वो माल फैक्ट्री से गोदामों तक आया, गोदामों से डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, वहाँ से आगे रिटेलर के पास और एंड यूज़र तक जब पहुँचा, तो बसाफात ऐसा होता है कि उस माल के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें बाज़ औक़ात वो लीक हो सकता है, डैमेज हो सकता है, या उसकी जो लेबलिंग वगैरह है वो मुतासर हो सकती है, या कोई और इशू आ सकता है। तो जब वो माल एंड यूज़र के पास पहुंचता है, सारिफ के पास पहुंचता है, वो उसको देखता है कि जनाब ये सब स्टैंडर्ड है या मयारी नहीं है या इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो माल लेकर वापस एंड यूज़र जो है वो दुकानदार या रिटेलर के पास पहुँचता है,
डीलर के पास और उसको बताता है कि जनाब ये इस माल में ये प्रॉब्लम है, इसलिए इसको वापस किया जाए। वापस जो है रीजनल ऑफिस जो होता है उसके नियरेस्ट, या जो उसका लॉजिस्टिक ऑफिस होता है, या कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कह लीजिए, या कंपनी का जो जोनल ऑफिस होता है, वहाँ पर वो उस प्रोडक्ट को वापस भेजता है और कहता है कि इसको तब्दील करके दिया जाए। जो मुतालिका जोनल ऑफिस या वेयर हाउस होते हैं उनके इंचार्जेस जो है उस माल को वापस फैक्ट्री भेज देते हैं, और फैक्ट्री पहुँचने के बाद सबसे पहले उसकी इंस्पेक्शन की जाती है कि जनाब ये माल काबिल इस्तेमाल है या नहीं। अगर वो काबिल इस्तेमाल होता है तो उसको रिसाइकलिंग के प्रोसेस से गुजार के दोबारा काबिल इस्तेमाल बना लिया जाता है, और अगर वो काबिल इस्तेमाल ना हो तो ऐसी सूरत में उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, और इस पूरे सर्कल को, इस पूरे साइकिल को जो है वो रिवर्सल लॉजिस्टिक का नाम दिया जाता है। जिस तरह से फॉरवर्ड लॉजिस्टिक में कंपनी से माल डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर से एंड यूजर तक पहुँचता है, इसी तरह से रिवर्सल लॉजिस्टिक में एंड यूजर से माल जो है वो कंपनी में पहुंचता है, और फिर रिसाइकिल या डिस्पोज के प्रोसेस से गुजरने के बाद उसके मुताबिक फैसला किया जाता है कि उसको क्या करना है। इसे रिवर्सल लॉजिस्टिक या सेल रिटर्न कहा जाता है। उम्मीद है आपको